अमेरिका के स्टेट कैलिफोर्निया में 2010 में रिकॉर्ड की जाने वाली इस पुरस्कार वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था। इस वीडियो में आप दरख्त पर बैठे हुए एक खौफनाक किस्म के जानवर जिसे वेयरवुल्फ के नाम से पुकारा जाता है, ये जानवर दरख्त पर बैठा हुआ है। वेयरवुल्फ एक ऐसा जानवर होता है जो कि अपने आप को इंसान और भेड़िया बना सकता है और ये जानवर खून का प्यासा भी होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अस्कर टीवी और मैं हूँ आपका दोस्त रोज वकास अस्कर। नाज़रीन ग्रामी, वेयरवुल्फ के किस्से कई हजार सदियों से चलते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ये जाहिर नहीं हो सका कि ये किस्से कब और कहां से शुरू हुए थे। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि वेयरवुल्फ के ये किस्से ग्रीक माइथोलॉजी में बयान किए जाते हैं। इनकी कहानियों के मुताबिक ज्यूस नाम के देवता ने अपने ही दोनों बेटों को लाइकन्स यानी कि इंसान नुमा भेड़ियों में तब्दील कर दिया था। इनके दोनों बेटों की ये गलती थी कि इन दोनों बेटों ने अपने बाप की नाफरमानी की थी। बहरहाल ये तो सिर्फ कुछ एक मनगढ़ंत कहानी लग रही है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। 1521 में दो आदमियों को फ्रांस के जंगल में गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों लोग नंगे घूम रहे थे और इनके जिस्म पर कपड़े नहीं थे। वहाँ के मकीन लोगों का मानना था कि ये दोनों लोग इनका गोश्त चोरी करके खाते थे और इनके जानवरों को नुकसान भी पहुँचाते थे, और इन दोनों ने कई लोगों के कत्ल भी किए थे। ये दोनों हाथों और पाँव के साथ चल रहे थे। ये दोनों बोल भी नहीं सकते थे और ना ही अच्छी तरह देख सकते थे। फ्रांस की हुकूमत ने इन दोनों कातिलों को जलती हुई आग में डालने का हुक्म दे दिया। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। 1621 में जीना गार्नियर को मदर ऑफ वेयरवुल्फ के नाम से पुकारा जाता था। कई एविडेंसेस के मुताबिक ये औरत इंसानों के खून की प्यासी थी। जहां भी से कोई खून या फिर इंसान नजर आता, ये फट से लिपट जाती और उसका खून चूस लेती। इसके खून की प्यास लामहदूद थी और कुछ लोगों के मुताबिक ये औरत अपने आप को वेयरवुल्फ में तब्दील भी कर सकती थी। ये औरत बच्चों और बूढ़ों को कच्चा चबा जाती थी, यानी कि उन्हें खा जाती थी। इसके जुल्म की वजह से इस औरत को भी जलती हुई आग में डालने का हुक्म दे दिया गया और इसे जलती हुई आग में डाला गया और इसकी चीखें पूरे फ्रांस ने सुनी थी। वेयरवुल्फ्स के बढ़ते हुए केसेस की वजह से फ्रांस के लोग खौफ में आ गए और हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छा गया था। इंसानों के खून के प्यासे वेयरवुल्फ आहिस्ता आहिस्ता गुमनाम होते चले गए। इसी तरह अब मैं आपको वेयरवुल्फ के कुछ तस्वीर और वीडियो दिखाता हूँ और आप खुद फैसला करें कि ये सच में होते हैं या नहीं। नाज़रीन ग्रामी, आज की जदीद मेडिकल साइंसेज की बदौलत डॉक्टर्स का कहना है कि वेयरवुल्फ जैसा बनना एक किस्म की बीमारी है।
जिसे हम लाइकेंथ्रोपी के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में इंसान अपने आप को जानवर समझ बैठता है और लोगों पर हमला करके उनका खून चूस जाता है। दूसरी वजह फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। और तीसरी वजह रेबीज जैसी गंदी बीमारी है जिसमें इंसान अपने आप को वेयरवुल्फ समझ बैठता है। और चौथी और आखिरी वजह यह है कि कुछ ऐसे अद्वियात इंसान खा लेता है जिससे उसे हैलुसिनेशन हो जाती है और वो अपने आप को वेयरवुल्फ समझ बैठता है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को लाजमी पहुँच सके और उन्हें भी वेयरवुल्फ्स की असल हकीकत के बारे में पता चल सके। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।